हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी उन प्लांट्स के नाम के बारे में जिनको हम फरवरी में कटिंग से उगा सकते हैं। अब फरवरी का महीना आ गया है, ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस टाइम प्लांट्स में हॉर्मोन्स का लेवल अच्छा होता है, रूटिंग बहुत जल्दी होती है इस टाइम प्लांट्स की। तो इस टाइम आप प्लांट्स को रिपॉट भी कर सकते हैं जो आपके पास है, और कुछ प्लांट्स की जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये जो फरवरी का टाइम है। इसमें आप एक जो है देसी रोज़ की कटिंग भी इस टाइम आप लगा सकते हैं, और अगर आप रोज़ ख़रीदना चाहते हैं तो इस टाइम आप बाज़ार से आपको थोड़ा सस्ते मिल जाएंगे, रोज़ ख़रीद सकते हैं। तो रोज़ के प्लांट जो हैं, अब आगे आगे इनका फ्लावरिंग का सीज़न तो जा रहा है, लेकिन क्या है कि आप इस टाइम ये आपको थोड़े मिल जाएंगे बाजारों में, नर्सरी वगैरह में, तो सस्ते मिल जाएंगे और वो आप लगा सकते हैं। वैसे देसी रोज़ का तो मौसम रहेगा अभी गर्मी में भी। और ये देखिए, आपको मैंने डहेलिया की जो कटिंग्स लगाई थी उनमें रूटिंग हो गई है और उनको अभी मैंने यहाँ पे रीप्लांट कर दिया है। गुड़हल की कटिंग इस टाइम आप लगा सकते हैं, वैसे बरसात में भी कटिंग बहुत अच्छी तरह लगती है गुड़हल की, लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, आपके यहाँ राजस्थान वगैरह में नहीं है, अगर राजस्थान में भी है तो भी आप अभी अभी तो गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं। और ये कटिंग्स वगैरह आप अभी जनवरी एंड होता है, जब फरवरी शुरू होता है तब से लेकर 15-20 फरवरी तक लगा लें तो ये लग जाएंगी। जो भी मैं अभी ये कटिंग्स बता रही हूँ, मोगरा की कटिंग लगा सकते हैं अभी आप, ड्रेसिना की कटिंग लगा सकते हैं। मैं आपको ये वाला ड्रेसिना दिखा रही हूँ, लेकिन ड्रेसिना कोई भी हो आपके पास उसकी आप कटिंग इस टाइम लगा सकते हैं। ये देखिए, ये फाइकस भी कटिंग से लगाया हुआ है मैंने, ये फाइकस की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। और देखिए, मैं आपको कटिंग लगी हुई भी दिखाऊंगी। फाइकस की कटिंग तो मैंने सर्दी में लगा ली, क्योंकि हमारे यहाँ तो सर्दियाँ भी थोड़ी सी दोपहर गर्म ही होती है। देखिए, लगी हुई हैं, देखिए ये सब कटिंग्स हैं और इन सब में रूटिंग हो गई है, बहुत दिनों की लगाई हुई हैं, इनमें रूटिंग हो गई है। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में इसमें से एक कटिंग उखाड़ के भी दिखाई थी, उसमें रूट्स डेवलप हो रही थी, तो ये लगा सकते हैं। मीठे नीम की कटिंग लगा सकते हैं अब इस टाइम, रूटिंग हार्मोन जरूर लगाना पड़ेगा। वैसे रूटिंग हार्मोन हर कटिंग में लगा देना अच्छा रहता है, और इसकी लगा सकते हैं आप। ये देखिए, गंधराज की कटिंग, ये जो है ये मैंने उससे उगाए हुए हैं, निमोली से, इसके बीज से उगाए हुए हैं, ये यहाँ पे लगा के दिखाए थे और अब इनको यहाँ से वहाँ कर दिया है किसी को। ये देखिए, ये गंधराज गार्डिनिया जिसे कहते हैं, उसकी कटिंग भी लग जाती है इस टाइम। और देखिए, ये अभी भी मैंने ये कटिंग से लगाया हुआ है। तो अगर बस थोड़ी सी शीतलहर वगैरह आपको लगे आती हुई, वैसे फरवरी में बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तो थोड़ा सा ढके हुए एरिया में इन कटिंग्स को रखें जब आप लगा दें तो। और ये देखिए, मधुमालती में मैंने आपको बहुत सारे फूल दिखाए हैं पहले, लेकिन अभी ये सर्दियों के कारण डोरमेंसी में है सारी। देखिए कितनी, ये सिर्फ सर्दी के कारण इसका डोरमेंसी टाइम है, और इसकी कटिंग देखिए कैसी बुरी हालत हो रही है पत्तियों की। और जैसे ही अभी ये जाए फरवरी के बाद, इसकी मैं फिर दोबारा से आपको दिखाऊंगी। और आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, मधुमालती एकदम भरी हुई थी ये फूलों से, और दिवाली के आसपास, तो इसकी कटिंग भी आप इस टाइम लगा सकते हैं। कटिंग ले लें कोई सॉफ्ट वुड कटिंग ले लें, थोड़ी लाइट ब्राउन ग्रीन कटिंग ले लें, और वो लग जाएगी आपकी। पेंसिल से पतली कटिंग ही लगेगी इसकी, तो पेंसिल जितनी मोटी नहीं होती है इसकी। ये देखिए, ये है अडेनियम की कटिंग भी आप लगा सकते हैं, और अडेनियम की कटिंग के लिए ये अच्छा टाइम है, क्योंकि जब हम सितंबर अक्टूबर में भी लगाती हूँ मैं इसकी कटिंग, उस टाइम भी लग जाती है, लेकिन अभी हम लगाएंगे तो थोड़ा ड्राई टाइम होगा, और जैसे मैंने कहा हार्मोनल प्लांट्स में इस टाइम ज़्यादा हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, रूटिंग हार्मोन्स होते हैं, तो इनकी थोड़ी अच्छी ग्रोथ के चांसेस रहते हैं। इस टाइम आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और ये मैं जो भी प्लांट्स आपको बता रही हूँ, इन सब की कटिंग पे मेरे वीडियोस हैं, और आपको जिस भी प्लांट की कटिंग, हाउ टू ग्रो जो भी प्लांट है बाय कटिंग, उसका आप वीडियो देख सकते हैं निकाल के।
तो देखिए क्रोटन्स भी बाय कटिंग इस टाइम लग जाते हैं, ये मॉनसून में भी बहुत अच्छी तरह लगते हैं और अभी भी लगते हैं। ये जो क्रोटन्स हैं ये मेरे जो पौधे हैं, ये जैसे कई लोग मेरे को कमेंट करके पूछते हैं कि इनके सारे पत्ते गिर गए थे, सारे पत्ते, और इनमें मिली बग्स का अटैक हो गया था बहुत बुरा। तो फिर हमने इसको इसको इसमें लगा दिया था, हमने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने के लिए ना इनके 12 इंच के गमले मैंने खाली करके और इनको इसमें शिफ्ट कर दिया था नई मिट्टी में, ताकि, और फिर इन पर इमिडाक्लोप्रेट का अच्छी तरह स्प्रे वगैरह कर दिया और इनको विंटर्स में ऐसे छोड़ दिया था यहाँ पे। और देखिए ये वाले गमले मैंने गुलदाउदी के लिए खाली कर लिए थे, इनमें अब दोबारा इनको मैं रिपोर्ट कर दूँगी। और देखिए अब दोबारा से इनमें पत्तियाँ आ गई हैं, बिल्कुल पत्तियाँ नहीं थी, तो आप ऐसे घबराया ना करें। अगर क्रोटन में स्पेशली ये कई बार शॉक से, जैसे मिलीबग का अटैक हो गया तो उसका भी पौधे को शॉक हो जाता है और उस शॉक से ये पत्ते गिरा देता है पौधा। क्रोटन्स जो है इनको जब भी शॉक लगता है, आप जगह बदलें इनकी बार बार या एक बार नर्सरी से लेके आते हैं तो वो शॉक में चले जाते हैं, और शॉक में जाते ही क्रोटन सबसे पहले अपने पत्तियाँ गिराते हैं। तो ऐसे देखिए इनमें दोबारा आ गई हैं, अब मैं इन्हें दोबारा उनमें लगा दूंगी। फेब्रवरी रिपोर्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, तो क्रोटन्स की कटिंग लगा सकते हैं आप इस टाइम। ये इरेंथिमम जो है ये कई रंगों में आते हैं, ये रेडिश है, एक थोड़ा ब्लैकिश आता है और ग्रीन भी आता है। तो ये इरेंथिमम जो है ये भी कटिंग से इस टाइम बहुत अच्छे लगते हैं। वो देखिए शेंचेजिया, ये भी मैंने कटिंग लगाई हुई है, शेंचेजिया कटिंग से इस टाइम बहुत अच्छा लग जाता है। और रबर प्लांट देख, तो ये अब इस टाइम इनको कोई इंसेक्ट वगैरह खा रहे हैं, इन पर नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी मैं। और ये देखिए ये अब इसका ग्रोथ का टाइम आया है, रबर भी सर्दियों में जो है, सॉरी बेनियन और रबर भी सर्दियों में थोड़ा सा डल हो जाते हैं। ये भी मेरा कटिंग से उगाया हुआ प्लांट है, आपने मेरे टेरेस पे बहुत बड़ा देखा होगा ये वाला पौधा, ये उसमें से कटिंग लेके मैंने लगाया हुआ है। तो ये भी इस टाइम कटिंग से बहुत अच्छा लग जाएगा आपका। और कोली देखिए एक्जोरा कटिंग से लग सकता है इस टाइम बहुत अच्छी तरह, एक्जोरा की भी आप बस ऐसी एक कटिंग इस टाइप की कटिंग ले लें। देखिए ये जो मैं दिखाएँ इस टाइप की कटिंग ले लें तो एक्जोरा भी लग जाएगा इस टाइम। और मेरा सबसे फेवरेट प्लांट आपको दिखाती हूँ, ये जेड जो है, ये जेड इस टाइम बहुत अच्छी तरह कटिंग से लग जाएगा आपको लगाना हो तो। और इसके अलावा ये चमेली की कटिंग बहुत अच्छी तरह लग जाएगी इस टाइम। चमेली भी देखिए इस टाइम जो है वो डोरमेंसी में है, खूब फ्लावर खिले हुए हैं। देखिए अभी ये बर्ड्स देखिए ये सारे स्पेंड फ्लावर किए हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ अभी इस टाइम ये जो टाइम आया है यहाँ पे छोटी छोटी, अब ये प्रूनिंग मांगता है प्लांट, ये सारी चीज़ें प्रून करूँगी एक दिन में, ये सारे ये हटाऊँगी सारे। ये देखिए ये सारे जो स्पेंड फ्लावर्स किए हैं इनको प्रूनर से हटाना पड़ेगा, ऐसे ऐसी इतनी इतनी कटिंग सारे पौधे की करनी पड़ेगी। शेप देना चाहूँगी तो थोड़ी हार्ड प्रून कर दूँगी, फिर आ जाएंगे इसमें पत्ते वगैरह, क्योंकि ये ग्रोइंग टाइम है। और चमेली की भी आप लगा सकते हैं, ये देखिए ये बिग्नोनिया विस्टा, इसकी भी आप वेस्टा या विस्टा जो भी एग्जैक्टली होता है उसकी इसकी भी कटिंग इस टाइम बहुत अच्छी लग जाएगी। बस इसकी कटिंग को क्या करना है आपको, बस ऐसे कटिंग लेनी है, थोड़ा सा स्क्रैच करना है बस इसको। मैं बस अभी रूटिंग हार्मोन कुछ नहीं लगाया है मैंने, और साइड की मिट्टी को ऐसे प्रेस कर रही हूँ। और प्रॉपरली जब हमें लगानी हो तो उसको रूटिंग हार्मोन लगा के और ढंग से लगाते हैं। तो बस ये काफ़ी प्लांट्स मैंने अभी आपको बता दिए जिनकी कटिंग्स इस टाइम लग सकती हैं। और ये लगाई हुई है मैंने कलांचू की कटिंग, और अब इनमें फ्लावरिंग भी शुरू। कलांचू एक्चुअली बहुत अच्छी तरह जो फ्लावरिंग होती है ना कलांचू की, वो बसंत में ही होती है। अब फरवरी शुरू हो रहा है, अब कलांचू में जो है सबसे अच्छी फ्लावरिंग होगी। और मैंने ऊपर टेरेस पे भी जो रखे हुए हैं वो सारे आपको दिखाऊंगी, उनमें इस टाइम फ्लावरिंग होगी। ये मौसम होता है कलांचू में अच्छी तरह फ्लावरिंग का। अब देखिए इनमें बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं कटिंग्स में, अब इनमें फ्लावरिंग शुरू होगी। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने कुछ कटिंग्स बताई हैं पौधों की, कि जो आप इस मौसम में लगा सकते हैं।
उसके अलावा भी आप कोई और ट्राई करना चाहें तो ट्राई जरूर करें, क्योंकि गार्डनिंग में ट्राई करने से सब आपको सक्सेस मिलता है। और अब देखिए, इसको झूले पे हमने इसलिए चढ़ाया हुआ है, ये बदमाश गेट के नीचे से बाहर निकलना चाह रहा है सड़क पे, और इसलिए ये भौंक रहा है नीचे उतारो, बार बार बाहर जाता है, फिर इसको बाहर कोई कुत्ते खा लेंगे गली के तो बदमाश है ये बहुत। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय लियो। Bye. Bye.